गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। समारोह में काफी मात्रा में लोगों ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। भाजपा की महिला कार्यकर्ताओं में भी काफी उत्साह दिखा और सीएम ने भी अपने भाषण में कार्यकर्ताओं और वहां उपस्थित जनता का आभार प्रकट करते हुए प्रण लिया कि वह पूरे मन से जनता के साथ है और गाजियाबाद के विकास में पूरा ध्यान देंगे। लेकिन योगी के सामने कुछ शिकायतकर्ताओं ने अपनी शिकायतें भी दर्ज कराई, जैसे कि कुछ अभिभावक, कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और कुछ महिला श्रमिकाएं ने भी अपनी व्यथा कही। और सबसे खास बात यह रही कि कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ जब भाषण दे रहे थे तो मारुत के सांसद सोते हुए नजर आए। आप सभी लोग नौकरी पैसा अपना व्यवसाय अपना कारोबार छोड़ कर यहाँ पर आए और इस कार्यक्रम में भागीदार बने। मैं आप सबका हृदय से आभारी हूँ। मैं आप सबको आश्वस्त करता हूँ, यहाँ पर जो अलग अलग तबके के लोग भी आए हैं, उनके अपनी समस्याएं होंगी, लेकिन मैं इस बात के लिए आपको आश्वस्त कर सकता हूँ, सरकारें समस्या का समाधान करने के लिए आई है। इस सरकार समस्या पैदा करने के लिए नहीं आई है, हम समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं और इन समस्याओं का समाधान सम्यक रूप से समयबद्ध तरीके से हम लोग करेंगे। इस विश्वास के साथ मैं आपके इस अवसर पर संकल्प से सिद्धि का जो मंत्र देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हम सबको प्रदान किया है, उस संकल्प के साथ अपने आप को एक मंत्र के रूप में समर्पित करते हुए हम सब इस देश को दुनिया के घासक की व्यक्ति हो सके। एक प्रकार की तैयारी योगी 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 योगी।